अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से और एकदम ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हमारा विजिट है पैरियर टाउन फेज ए रावलपिंडी अवामी विलास 2, और यहाँ पर हम मौजूद हैं एक अदद घर के विजिट के लिए जो कि अवेलेबल है फॉर सेल। अवामी विला 2 और अवामी विला 1 जो हैं ये सिंगल स्टोरी हैं, और कहते हैं कि ये फैब्रिकेटेड होते हैं लेकिन दरहकीकत ये फैब्रिकेशन में नहीं आते। ये ज़रूर है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो डबल स्टोरी की नहीं होती। ओवरऑल आपके सामने वायरल ये विला है जो कि अवेलेबल है फॉर सेल, इंतहाई नीट क्लीन, बिजली गैस दोनों इसके अंदर इंस्टॉल हैं, और बहुत अच्छा सा इसका एटमॉस्फेयर है, दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं। बहुत ही नीट क्लीन स्ट्रीट है, घर के आगे से जो है वो 40 फुट की स्ट्रीट गुजर रही है, और ये आप देख रहे हैं जिस तरह इसकी पोर्च है, और चाहें तो इसको आप यहाँ पे फेंस लगा के थोड़ा सा कवर भी कर सकते हैं। बहरहाल बिजली और गैस का मीटर इसके अंदर इंस्टॉल है, अवेलेबल है फॉर सेल, और अक्सर हजरात से गिला ये रहता है कि वो नंबर आते साथ ही बस कॉल कर देते हैं कि जी हमें इसकी डिटेल बता दें। बेसिकली ये वीडियोस बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि विजुअल डिटेल आपको जो है वो पता चल जाए, मालूमात पूरी हो सकती है, बजाय इसके कि 15-15 मिनट आप टेलीफोन के ऊपर सिर्फ मालूमात मुझसे लें। अगर ये वीडियो ही पूरी देख लिया करें तो आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहरहाल सिंगल स्टोरी ये घर है, अवेलेबल है फॉर सेल बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी में, और 5 मरले का ये अवामी विला होता है। बहुत नीट क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा ये इसका किचन का एरिया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, ज़बरदस्त किस्म का। पूरे घर में जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है। जैसे थोड़ा सा अगेन आगे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है वो इसका बेडरूम है। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ इन विलों के विजिट में कि बाथरूम जो है वो एक ही होता है, लेकिन इसमें बाथरूम जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह होता है, और लेकिन इसमें दूसरा बाथरूम भी बन सकता है, और वो बाथरूम जो ये आपका स्टोर रूम है इसको मेन बाथरूम के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे एक बाथरूम जो यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों ने मॉडिफाई करके 2 बाथरूम कर लिए। छोटी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है उन हजरात के लिए जो कम बजट के अंदर कोई बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी सोसाइटी के अंदर देख रहे हो। सारी सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं, पीछे लॉन्ड्री भी है, और ये इस घर का जो है वो ओवरव्यू है। बहुत ही खूबसूरत नीट क्लीन हाउस है, अवेलेबल है फॉर सेल, 90 लाख इसकी डिमांड है, और डिमांड बहरहाल डिमांड होती है ओनर की। बाकी ये है कि जिसमें जो भी कमी बेशी होगी वो बिल्कुल मौके के ऊपर आ जाएगी। तो इंशाल्लाह लजीज़ ये अवेलेबलिटी है इस घर की, और फ़िलहाल ये अवेलेबल है फॉर सेल है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा इसका एडवांटेज ये भी है कि ये घर जो है वो फ्रंट ओपन है, तो एक और जो है वो इसका एडवांटेज मिल जाता है कि सफोकेशन जो है वो नहीं होती। ये सामने भी घर बने हुए हैं, और वॉल टू वॉल या फेस टू फेस जो है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एडवांटेज होता है अमूमन ऐसे घरों का। बहरहाल अवेलेबल है फॉर सेल, इस घर की सेल परचेज़ या इसके अलावा भी किसी किस्म की सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा नंबर है, रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।